बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शजील खान एंड टुडे वी डिस्कस आवर न्यू टॉपिक एपेक्स 23.2 इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर ORDS विद DB19C। सो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है 23.2, उसकी हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन देखेंगे, किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल कर सकें और कन्फिग्रेशन ORDS की। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम थोड़ी कंपैबिलिटी देख लेते हैं कि एपेक्स के कौन से वर्जन की किस डेटाबेस के साथ कंपैबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं ज़रा अगर अपने एक पेन एक फाइल रेडी ऑलरेडी कर चुका हूँ कंपैबिलिटीज़ की, तो मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा। ओरेकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट अगर मैं आऊँ सबसे पहले वर्जन के ऊपर 23.1 23.2, तो उसके लिए आपकी मिनिमम जो डेटाबेस है वो 19C और उससे अबव होनी चाहिए 23.1 और 23.2 के लिए एपेक्स के लिए। और सारे जो डेटाबेस के एडिशन होते हैं हमारे इंटरप्राइज स्टैंडर्ड एडिशन एंड डेटाबेस 23C। ब्राउजर रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मली हमारे जो है क्रोम, मोज़िला, एप्पल सफारी एंड माइक्रोसॉफ्ट एज हमारे के ब्राउजर रिक्वायरमेंट है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ये सपोर्टेड नहीं होगी। वेब सर्वर रिक्वायरमेंट पे आऊँ तो मैं ओरेकल एप्स रेड सर्वर हमारी जो ORDS होता है उसका वर्जन 20 से स्टार्ट हो और उससे लेटर हो। तो ORDS के रिक्वायरमेंट जो भी हमारा जो जावा बेस्ड सर्वर होता है जिसके ऊपर हम अपनी इंस्टॉलेशन को एपेक्स इंस्टॉलेशन को मैप करते हैं। बाकी ये वेब लॉजिक सर्वर है, सर्वर अपाचे टॉमकैट जो आप भी कोई भी सर्वर के साथ ऐड करना चाहें, लेकिन इसके लिए जो स्टार्टिंग मिनिमम ORDS होगी वो 20 या उससे अबव होगी। ये 23.1 और 23.2 की रिक्वायरमेंट थी। और 22.1 और 22.2 की यही है कि अगर आप स्टार्ट 22.1 से कर रहे हैं तो उसका डेटाबेस कम से कम 2012 होना चाहिए और उससे लेटर होना चाहिए, इंक्लूड इंटरप्राइज एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन एंड ओरेकल डेटाबेस XE। ब्राउजर की रिक्वायरमेंट नॉर्मली जो है जो हम लोग 23.1 में यूज़ करिए और उसका भी ORDS 20 या उससे अबव होना चाहिए। अगर कोई 21.1 यूज़ कर रहा है या 20.2, तो उसके भी ही सेम जो है डेटाबेस 12 से स्टार्ट हो और ब्राउजर की रिक्वायरमेंट सेम है। और ORDS अगर आप 21.2 22 भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपका ORDS 19 भी सपोर्ट करेगा और उससे भी लेटर भी। और अगर आप 20.1 20.2 की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपकी एक्सप्रेस एडिशन डेटाबेस जो है 11G वो भी सपोर्टेड है 20.1 20.2 के ऊपर, और ब्राउजर रिक्वायरमेंट है और ORDS इसके ऊपर 19 सपोर्टेड है और उससे लेटर। अगर आप 18.1 और 19.2 की बात करते हैं वर्जन की, तो 18.1 18.2 और 19.1, ये तीनों वर्जन के ऊपर आपकी एटलीस्ट मिनिमम 11G एक्सप्रेस एडिशन डेटाबेस रिक्वायरमेंट है मिनिमम, और उससे जो भी आपकी इंटरप्राइज भी है। उसके बाद अगर 19.2 की बात करूँ तो 19.2 के ऊपर भी सेम ही आपके ऊपर 11G सपोर्टेड है, और उससे आगे जो भी लेटर करना चाहें 18C। लास्ट टाइम मैंने अपनी 22.1 की इंस्टॉलेशन 18C एक्सप्रेस एडिशन के साथ की थी। ब्राउजर रिक्वायरमेंट है, वेब सर्वर रिक्वायरमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एपेक्स 19 के साथ रिक्वायर्ड, तो ये 3.0 ORDS के ऊपर भी ये यूज़ हो जाएगा। वेब सर्वर रिक्वायरमेंट है 19.1 और 19.2, अगर 19.2 यूज़ कर रहे हैं तो ORDS इसके लिए ये सपोर्ट। तो ये एक सर्वर की वर्जन्स की कंपैबिलिटी की एक हमने रेडी करी थी और ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कौन सा वर्जन किसके साथ सपोर्टेड है। तो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि इसको किस तरीके से आप फिर आगे अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट के साथ इसको यूज़ कर सकें। अब आ जाते हैं अपनी मेन इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो इंस्टॉलेशन से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि अगर आप 23.2 की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जावा जो है वो अपडेट होना चाहिए। जावा अपडेट जो है, अगर मैं अपना जावा दिखाऊं आपको CMD के मेरे पास जावा कौन सा अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जावा स्पेस टेस्ट वर्जन, ये जावा का वर्जन चेक करने का तरीका होता है।
तो इसमें अगर आप देखें अभी मेरे पास वर्जन जो इंस्टॉल है वो 17 है, तो एटलीस्ट आपके पास अगर ORDS, अगर आप Apex 23.2 इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका जावा भी अपग्रेड होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है, अगर आप जाके देख लें जावा जावा JDK फाइल उठा के उसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद जब वो इंस्टॉल हो जाए तो एनवायरमेंट वेरिएबल में आके आप यहाँ पर अपना JDK का बिन बात जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दें, ठीक है। और अपना जो भी DB की आपके पास DB इंस्टॉल है 19C, उसका भी बिन बात आप यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल में आके डिफाइन कर दें ताकि वो फिर आपके पास मैप हो जाए। तो जावा अपडेट मतलब जावा जो भी मैं यूज कर रहा हूँ 17 JDK यूज कर रहा हूँ, और एपेक्स का जो वर्जन है जो मैं यूज करूंगा वो भी कर रहा हूँ 23.2, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। और लास्ट जो ORDS है ORDS का भी मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ 23.4 लेटेस्ट वर्जन। और ये हम कोई अपग्रेड नहीं कर रहे, हम प्योर इंस्टॉलेशन स्क्रैच से करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम 23.2 को इंस्टॉल कर लें अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि JDK आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा ये लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका OracleDB है, ओरिकल डेटाबेस 19C, तो वो भी मैं आपको जरा शो करवा देता हूँ। नाइनटीन ओरिकल डेटाबेस जो है वो मैंने इंस्टॉलेशन करी हुई है। अगर आपको इंस्टॉलेशन करनी हो तो यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल्स वीडियोस हैं कि अपने लैपटॉप के ऊपर विंडोज बेस 19C डेटाबेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप उसको देखते हुए इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ तो मनीष शर्मा जो है उसकी एक 19C वीडियोस इंस्टॉलेशन है, उसने प्रॉपर तरीके इंस्टॉलेशन सिखाई है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपने इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉलेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो 12C, 18C और 19C तीनों के ऊपर ये है कि अगर कोई करना चाह रहा हो तो उसके ऊपर भी यूज़ कर सकता है। तो ये थोड़ी सी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप जब डेटाबेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपका जो मेमोरी टारगेट एटलीस्ट 300 MB, ये सारी चीज़ें जो आपकी डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद ये आपको सेटिंग करनी है, ये सब चीज़ें आप जाके सेट कर लिएगा। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। प्लगेबल डेटाबेस जो है वो चेक करना है कि वो माउंट है तो उसको कैसे आपको ऑन करना है, रीड राइट के ऊपर लेके जाना है माउंट से, ये सब चीज़ें जो हैं आप इंस्टॉलेशन से देखते हुए डेटाबेस की एटलीस्ट चीज़ें जो हैं वो यहाँ से चेक कर लिएगा। अच्छा, थोड़ा सा प्लगलेबल डेटाबेस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि प्लगलेबल डेटाबेस PDB इज अ कंटेनर, हमारे एक कंटेनर होता है जो हमारी जो कलेक्शंस होते हैं यानी जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्कीमा होते हैं, डेटाबेस होते हैं, उनको होल्ड रखता है। और इट्स अलाउ फॉर अ मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट वे टू मैनेज मल्टीपल डेटाबेस विद अ सिंगल ओरेकल डेटाबेस। मतलब ये है कि ये मल्टीपल डेटाबेस को भी मैनेज करता है यूजिंग प्लगलेबल डेटाबेस। तो अभी इसलिए ही हम अपनी क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हमने प्लगेबल डेटाबेस यूज़ किए कि हम एपेक्स का एक अलग कंटेनर यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम एपेक्स की ही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इंस्टॉलेशन हम स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले अगर मैं आऊँ तो अपनी डायरेक्टरी में, तो 23.2 मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और ORDS 23.4 है जो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ और उसको भी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। तो इसका नाम भी अभी हम ORDS कर देते हैं। इंस्टॉलेशन करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन में आके हम अपनी CMD ओपन करेंगे, और जहाँ हमारा एपेक्स का वर्जन है उस डायरेक्टरी में हम जाएंगे CD ओरेकल एपेक्स, ठीक है। और एपेक्स, हम अभी एपेक्स की डायरेक्टरी में आ गए, इस वाली डायरेक्टरी में। अब हम अपनी सबसे पहले तो यहाँ पर आके डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, उसके बाद
क्योंकि हम अपने कंटेनर के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे पीडीबी पब्लिकेबल डेटाबेस, तो उसके लिए हमें उस पे मूव होना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक कमांड होती है शो पीडीबीएस, जो उसकी आपको पीडीबीएस की लिस्ट दिखाता है कि कौन कौन से आपके पास कंटेनर हैं। तो हमें जाना है सबसे पहले, अगर आप ORCL PDB हमारा कंटेनर है मैं, तो ये आप चेक कर लिएगा कि इसका ओपन मोड जो है वो माउंट ना हो। अगर माउंट होगा तो ये इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं करेगा, तो रीड राइट जो है वो होना चाहिए इसका ओपन मोड। तो इस पे जाने का तरीका ये है कि आर्डर सेशन सेट कंटेनर इज इक्वल ORCL PDB हमारे कंटेनर नेम, उसके बाद सेशन ऑर्डर। दोबारा अगर हम चेक करें तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, शो पीडीबीएस के ऊपर। अब सबसे पहली जो हमारी पहली इंस्टॉलेशन की, ये हम स्टेप कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारी इंस्टॉलेशन की जो पहली कमांड है वो इंस्टॉल की है, जिसके अंदर हम अपने वर्क स्पेस और टेबल स्पेस जो है वो डिफाइन करते हुए एक टेम्परेरी डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो ये कमांड हम यूज करेंगे वहां पर, तो @apex sqlsyo। डिफॉल्ट जो हमारा टेबल स्पेस वर्क स्पेस है, और टेबल स्पेस को हम यूज करते हुए इंस्टॉलेशन कर रहे हैं अपनी। अगर आप कोई अपना टेबल स्पेस बनाना चाह रहे हैं तो अपना टेबल स्पेस बनाते वक्त जो है वो उसके ऊपर भी आप क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो मैं अपने ही डिफॉल्ट टेबल स्पेस के ऊपर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लोकल एनवायरमेंट के अंदर यूज कर रहा हूँ। हाँ, अगर हम अपग्रेड के ऊपर जाते हैं तो अपग्रेड के ऊपर हमारी टेबल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहाँ पर टेबल स्पेस बनाएंगे और अपने वर्जन को अपग्रेड करेंगे। अगर हम आगे इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्जन अपग्रेड के ऊपर जाएंगे। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन की पहली कमांड है, apex install sql टेबल स्पेस sys और sysauth और temp डायरेक्टरी, जस्ट मैं यहाँ एंटर करूंगा। ये जो पहली ओके तो हमारी पहली जो इंस्टॉलेशन कमांड है वो सक्सेसफुली जो है वो परफॉर्म हो चुकी है, और उससे टाइम कितना लिया है 7 मिनट, मतलब 7 मिनट में वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम अपनी नेक्स्ट जो है उसके ऊपर आते हैं कमांड के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आके अपनी पीडीबी देख लेते हैं कि हम उसी पीडीबीएस के ऊपर हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी जो एडमिन, यानी जो इंस्टेंस एडमिन है जिससे ऊपर, यानी इंटरनली जो वर्क स्पेस होता है या एडमिन के यूजर से जो आप लॉग इन हो रहे होते हैं, तो उसका एनवायरमेंट सेट करने के लिए आपकी जो कमांड होती है @apex chpwd.sql, तो वो परफॉर्म करेंगे @apex chpwd.sql। यहाँ अपना आप एडमिनिस्ट्रेशन यूजर नेम जो भी यूज देना चाह रहे हैं आप वो दे दें, ईमेल अगर आपको देनी है या हमें अपनी पर्सनल ईमेल दे देता हूँ। अच्छा, पासवर्ड है, पासवर्ड का थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि पासवर्ड किस तरीके से परफॉर्म होगा। अगर आप दे रहे हो तो एटलीस्ट, अगर मैं आपको एक नॉर्मली पासवर्ड बताऊँ कि अगर ये पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो देखें इसके अंदर आपके न्यूमेरिक वर्ड भी आ रहे हैं, एक इस पे कैपिटल लेटर भी आ रहा है, स्मॉल लेटर भी आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को यूज़ करते हुए कोई भी पासवर्ड बनाकर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड यहाँ परफॉर्म कर देता हूँ। तो ये हमारे इंस्टेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन का है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जो है कमांड के ऊपर आते हैं, जो हमारी जो कॉन्फ़िगर की कमांड होती है एपेक्स की, तो वो हम ये परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो @apex_rest_config.sql,
यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछेगा, इंटरर पासवर्ड, और एपेक्स लिस्नर जो एक लिस्नर बनाता है एपेक्स का, तो उसका पासवर्ड क्या होना चाहिए। तो पासवर्ड मैंने आपको बताया कि जहाँ भी आप अपना पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसको उस तरीके से ही परफॉर्म कर लें यहाँ पे। और यहाँ पर फिर रेस पब्लिक एक यूज़र बनाएगा, तो एपेक्स का उसका भी पासवर्ड सेट करना है हमें, तो उसको भी हम पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सो सक्सेसफुली दोनों के पासवर्ड हमारे पास सेट हो चुके हैं। कॉन्फ़िगर की कमांड हमारी प्रॉपर जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, तो शो बी डीबीएस करके हम चेक कर लेते हैं कि हम किस कंटेनर के ऊपर हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट उसके बाद जो है, जब आप एपेक्स की ये तीन इंस्टॉल कॉन्फ़िगर की कमांड चला देते हैं, तो उसके बाद अपने डीबी यूजर्स भी देते हैं एपेक्स के वो सारे सक्सेसफुली अनलॉक हैं या नहीं। तो उसका एक बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ कि, और आसान भी है कि किस तरीके से आप उसको चेक करेंगे। जब आप इस स्टेप के ऊपर आ जाएं, लास्ट कॉन्फ़िगर के स्टेप पे, उसके बाद आप अपना जो भी एसक्यूएल डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, टूल पी एस इक्वल डेवलपर, एसक्यूएल डेवलपर, आप उसको ओपन कर लें, और ओरिकल डेटाबेस 90C के सिस यूजर से आप कनेक्टिविटी कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी कनेक्टिविटी कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मैं अपने सिस यूजर के ऊपर आऊँ, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ। ये मेरा सिस यूजर है, पासवर्ड मैंने रखा हुआ है, और ये हमारा लोकल होस्ट नेम है, पोर्ट हमारी ये है, सर्विस नेम जो है ओ आर सी एल पी टी बी है, क्योंकि हम कंटेनर के ऊपर रहते हुए जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं सर्विस नेम। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी बना लीजिएगा। मैं इससे कनेक्ट हो जाता हूँ, और अपना जो भी आपने इंस्टॉलेशन डेटाबेस की इंस्टॉलेशन करते हुए पासवर्ड सेट किया, वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास एक और फाइल है, अगर मैं दिखाऊं उसके अंदर, सेलेक्ट यूजर नेम अकाउंट स्टेटस फ्रॉम डीबीए यूजर्स वेयर यूजर नेम लाइफ एपेक्स, तो ये अगर हम चला के देखें तो हमारे पास एपेक्स लिस्नर ओपन है, एपेक्स पब्लिक जो है वो लॉक पड़ा हुआ है, रेस्ट पब्लिक ओपन है, और ये भी लॉक पड़ा हुआ है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि इनको आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन करते वक्त ही इसको अनलॉक कर दें, अदरवाइज अगर ये लॉक पड़े रहे और आपने इंस्टॉलेशन आगे बढ़ा दी, मूव कर दी, ओ आर डी एस के ऊपर परफॉर्म कर दी, तो आफ्टर द इंस्टॉलेशन ये आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं होगी, वो आपको कोई भी अकाउंट लॉक का एरर शो कर देगा आफ्टर द इंस्टॉलेशन। तो हम क्या करते हैं, हमने वैसे ही ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, तो हम फिर भी चार चला देते हैं कि चारों, और इनको ओपन कर देते हैं, और अपना वर्जन 21.2, ये मेरी लास्ट वीडियो की डॉक्यूमेंट है, तो मैं उससे बस चेंज कर देता हूँ। पहला तो हम अपने चारों यूजर्स को जो है वो अनलॉक कर देते हैं। तो सबसे पहले एपेक्स लिस्नर, रेस्ट पब्लिक यूजर, और लास्ट में 23.2 जो हमारा वर्चुअल यूजर है। अब हम जाते हैं और पहली कमांड चलाते हैं, तो सक्सेसफुली चारों यूज़र जो हैं हमारे ओपन हो चुके हैं। ये स्टेप आपको जब परफॉर्म करना है, जब आप एपेक्स के कॉन्फ़िगर की कमांड चलाते हैं, उसके बाद आके चेक कर लेंगे कोई यूज़र अनलॉक तो नहीं पड़ा हुआ, अगर अनलॉक पड़ा हुआ है, सॉरी लॉक पड़ा हुआ है, तो उसको अनलॉक कर लें। तो हमारी एपेक्स की जो कमांड्स थी सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन वाली कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ओ आर डी एस के ऊपर कि ओ आर डी एस को हम कन्फिगर कैसे करेंगे। तो ओ आर डी एस के लिए सबसे पहले आप अपना वर्जन उठा लीजिएगा, यहाँ पर इस वर्जन को इग्नोर करते हैं, यहाँ 23.4 ही है जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यह मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर उसका वर्जन यूज़ हुआ हुआ है, तो अपना लेटेस्ट वर्जन है उसको आप अनजिप करके एपेक्स की डायरेक्टरी में यहाँ रख दिएगा, जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ रख दिया ओ आर डी एस का। अब आप सबसे पहले इंस्टॉलेशन करते वक्त, जब आप इसकी इंस्टॉल कर रहे हो, तो अपना जावा वर्जन चेक कर लिएगा वो एटलीस्ट 17 या उससे 21 हो, ज़्यादा हो वर्जन जावा की, क्योंकि ओ आर डी एस जो है वो 17 21 सपोर्टेड है, हमारा ओ आर डी जो लेटेस्ट वर्जन है। तो आप उसको इंस्टॉल करके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके उसका बिन का पासवर्ड भी
बिन का पाथ भी आप उसको दे दीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने इंस्टॉलेशन के कॉन्फ़िगर करते हुए कोआरडीएस का पहला स्टेप क्या है, तो उसके लिए आपको अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को, सॉरी मैं दोबारा क्लोज करके जाता हूँ, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है वो ओपन करना है। जब वो ओपन हो जाए तो आपकी जो एपिस की डायरेक्टरी है वहाँ परफॉर्म चले जाएं, सीडी और ओआरडीएस के फोल्डर में चले जाए जहाँ ओआरडीएस। पहली कमांड जो है इसकी होगी जावा इस जार ORDS.var install। अगर आप अगर एडवांस लिखेंगे तो वो स्टेप वाली कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एडवांस की जो कमांड है वो इससे प्रीवियस वर्जन के ऊपर यूज होती थी। अब इसके ऊपर इन्होंने शॉर्ट कर दिया है कि वो जस्ट इंस्टॉल करके बाद आप उसको इंटर कर दें। उसके बाद ये आपसे नंबर ऑफ सिलेक्शन पूछ लेता है कि आपको किसके ऊपर रहते हुए कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हमने चूज टू, जो उसने डिफॉल्ट चूज दिया टू दिया है, तो हम उसके ऊपर रहते हुए ही इसको ORDS को कॉन्फ़िगर और अपडेट करेंगे। उसके बाद ये आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता है डेटाबेस कनेक्टिविटी की, तो हम यहाँ पर चूज वन ही रहने देते हैं और लोकल होस्ट हमारा है। अगर आप किसी और IP के ऊपर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो IP यहाँ पर दे दें और इसकी पोर्ट, और यहाँ पर मेन जो है वो ORCL है। ORCL आपको यहाँ पर ORCL PDB प्लगिनेबल देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो एपिक्स की इंस्टॉलेशन की स्टेप्स हैं वो PDB के ऊपर परफॉर्म हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको ORCL PDB कंटेनर देना होगा, क्योंकि हम कंटेनर के ऊपर रहते हुए एपिक्स इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सिस्टम के राइट्स देते हैं, क्योंकि आपने चीज़ें बता दी हैं तो वो उसको आगे परफॉर्म करेगा सिस का यूज़र जो भी आपने रखा है। उसके बाद ये आपसे टेबल स्पेस पूछता है कि टेबल स्पेस हम डिफॉल्ट CC ऑस यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्टरी और RDS पब्लिक भी टाइम भी यूज़ कर रहे हैं, और चूज वन ही रहने दें जिसके ऊपर वो सारे आपके इनेबल ऑल फीचर्स डेटाबेस एक्शन करेगा चूज वन, और इसके अंदर भी कॉन्फ़िगर एंड स्टार्ट ORDS इन स्टैंड अलोन मोड, तो चूज वन ही इसको रहने दें, इसको स्किप नहीं करिएगा, इसको हम ORDS को स्टैंड अलोन मोड के ऊपर ही चलाएंगे। यहाँ पर आपसे प्रोटोकॉल पूछेगा, इंटर नंबर ऑफ सेलेक्ट द प्रोटोकॉल, तो चूज वन HTTP बिकॉज हम उसको लोकल होस्ट एनवायरनमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो HTTP जो है वो हम रहने देते हैं चूज वन। पोर्ट जो है पोर्ट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर वो 8080 दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको Apex जो ब्राउज करवाएगा तो वो इस पोर्ट के ऊपर रहते हुए करवाएगा। अगर आपको पोर्ट चेंज करनी हो तो आप यहाँ पर कोई भी पोर्ट डाल के उसको चेंज कर सकते हैं, तो हम अभी डिफॉल्ट ही पोर्ट रहने देते हैं। अब आ जाती है Apex, enter the Apex static resource location, तो उसके लिए आपको Apex folder के अंदर जाके अपनी image directory को copy करना है और ORDS folder के अंदर आके उस directory को यहाँ paste करना है। basically वो आपसे resource location Apex की इसलिए मांग रहा होता है कि वो उस image की directory use करेगा जो आप version use कर रहे हैं, तो और ORDS के ऊपर Apex की images को वो मैप कर देगा। इमेजेस मेन इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर, काफ़ी सॉल्यूशन करते हुए कि इमेजेस का बड़ा इशू आता है कि इमेज की डायरेक्टरी नहीं मिल रही, तो बेसिकली इमेजेस जो हैं वो हमारी एपेक्स में जो है वो हमारा जो पूरा कंप्लीट कंपोनेंट्स होते हैं सारे, जिसके ऊपर रहते हुए एपेक्स का एक इंटरफेस हमें शो हो रहा होता है, तो उसके अंदर इमेजेस ही रोल प्ले कर रहा होता है। तो आप इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिए कि इमेजेस की जो भी वो डायरेक्टरी रिसोर्स लोकेशन मांग रहा है वो आप यहाँ पर दें, ORDS के अंदर जाके इमेजेस के फोल्डर को कॉपी करते हैं और इमेजेस की डायरेक्टरी में जाके उस तो हमारी इमेजेस के डायरेक्टरी से सक्सेसफुली जो है वो कॉपी हो गई है। ये हम इसकी डायरेक्टरी का पाथ हम यहाँ पर हमने दे दिया है, तो जस्ट एंटर।
ओके तो ओरिकल रेस्ट डेटा सर्विस इनिशियलाइज हमारा जो ओ आर डी एस सक्सेसफुली जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है, और यहाँ पर एक हमारे पास मैसेज भी आ गया है कि इनको ये इनिशियलाइज का अगर आपके पास मैसेज आ जाए तो प्रॉपरली यानी आपकी इनिशियलाइज हो गया है। और ऊपर भी आप चेक कर लिएगा कि वार्निंग के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो लॉक नहीं पड़ी हुई हो या कोई दूसरा एरर आ रहा हो जिसकी वजह से फिर ये ओ आर डी एस परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद जैसे ही हमने एपेक्स का यूजर्स भी चेक करे हैं तो ऐसे ही हम ओ आर डी एस की भी चेक करेंगे कि वो सारे अनलॉक है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर उसके भी स्टेटस जो है वो सक्सेसफुली ओपन है। अगर वो लॉक्ड होते तो उसके भी ही कमांड्स हमारे पास हैं, हम उसको अनलॉक कर देते, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अब हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं, मेन कोई भी ब्राउजर यूज करें, मैं डिफॉल्ट यही ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो मैं इसी पे जा रहा हूँ। और मैंने एक बुक मार्क किया हुआ है अपना एपेक्स का, तो लोकल होस्ट कॉलन ORT 8080 स्लैश ORTS पे आप डायरेक्ट जाएंगे तो वो आपको लैंडिंग पेज पे भेज देगा। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो लेटेस्ट वर्जन के अंदर एक इनका एक नया फीचर्स इनेबल हुआ है जिसके अंदर इन्हें तीन ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको एसक्यूएल डेवलपर वेब के अंदर जाना है तो आप उसको गो कर दें, वो आपको वहाँ ले जाएगा, या पासवर्ड डालें, डेटाबेस मैपिंग पाथ एलियासिस इस तरीके से, और यहाँ पर आपको उस पर जाना हो। और अगर आपको एपेक्स पे जाना है तो ओरिकल एपेक्स जो हमारा मेन पर्पस है, तो सक्सेसफुली एपेक्स 23.2 जो है वो हमारा इंस्टॉल हो गया है विद ORDS जो हमने कॉन्फ़िगर किया है 23.4। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। मैं आपसे डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से ये डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड करके वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर ऐसा कोई एरर आ रहा हो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो मुझे स्क्रीन शॉट के साथ मुझे ईमेल कर दीजिएगा या मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, इंशाल्लाह विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो।